जगत एक ऐसी दुनिया है जहां रातों रात स्टार बन जाते हैं। आज एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली तक के ठाट बाट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनके पास फरारी गाड़ी थी। इसके साथ एमएस धोनी के पास महंगे सुपर बाइक्स का कलेक्शन है। विराट कोहली दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट्स में से एक हैं। क्रिस गेल एक ऐसी हवेली के मालिक हैं जो 5-स्टार होटल से कम नहीं है। आजकल आईपीएल, पीएसएल और बिग बैस जैसी फ्रेंचाइजी के सौजन्य से खिलाड़ी काफी पैसा कमा रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि कई खिलाड़ियों ने अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लिया है। आपने कई क्रिकेटर्स को गरीब से अमीर बनते देखा होगा, उनके संघर्ष के बारे में भी सुना होगा। लेकिन क्या आपको ऐसे खिलाड़ियों के नाम पता है जो अमीर से गरीब बन गए, जो इस चमकती दुनिया के फेम में नहीं बल्कि गरीबी के अंधेरे में खो गए? आज हम आपको दुनिया के ऐसे 5 क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जो अमीरी से गरीबी की ओर बढ़ गए। सबसे पहले नंबर है पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद खान। अरशद खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे और शानदार स्पिन गेंदबाज रहे। उन्होंने 1997 से 99 के मध्य पाक की राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था। अरशद खान ने 2006 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने से पहले खान ने 58 वनडे मैच और 9 टेस्ट मैच खेले थे। संन्यास लेने के बाद से ही वो परेशानियों के घेरे में खड़े हो गए। परेशानियों के चलते वो पाकिस्तान से अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके कुछ सालों तक उन्होंने टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन साल 2020 में 12 नवंबर से उनका अच्छा वक्त शुरू हो गया। उन्हें पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड क्रिकेटर क्रिस केन्स। क्रिस्टोफर लांस केन्स न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, जो एक ऑलराउंडर के रूप में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए खेले थे। केन्स ने अपने टेस्ट करियर का अंत 33.53 की बल्लेबाजी औसत और 29.40 की गेंदबाजी औसत के साथ किया। 2000 में उन्हें साल के 5 विजन क्रिकेटर्स में से एक के रूप में नामित किया गया था। केन्स ने 2004 में न्यूजीलैंड टेस्ट टीम से संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद क्रिस ने हीरो का कारोबार शुरू किया था। इस कारोबार में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। क्रिस को आर्थिक तंगी के चलते अपने परिवार का पालन करने के लिए ड्राइवर और ट्रक धोने का काम करना पड़ा था। तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड क्रिकेटर एडम होलियोक। एडम जॉन होलियोक एक पेशेवर एथलीट है। उन्हें क्रिकेटिंग ऑलराउंडर के रूप में जाना जाता है, जो सरे और इंग्लैंड के लिए खेले। जब एडम ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो उन्हें बहुत आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। साल 2007 में जब एडम होलियोक ने क्रिकेट का दामन छोड़ा तो उन्हें पैसों की काफी दिक्कत हुई। उनके परिवार के अन्य सदस्यों के पास ऑस्ट्रेलिया स्थित एक संपत्ति कंपनी होलियोक ग्रुप का स्वामित्व था, जो लगभग $20 मिलियन के ऋण के साथ ढह गई। चौथे नंबर पर है भारतीय क्रिकेटर जनार्दन नेवले। जनार्दन ज्ञानोबा नेवले ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 1934 में की थी। उस दौर में खिलाड़ियों को अधिक पैसा नहीं मिलता था। 1932 में नेवले को भारत की पहली टेस्ट पारी की ऐतिहासिक पहली गेंद का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1932 में लॉर्ड्स में दोनों पारियों में ओपनिंग की और विकेट भी लिए। उन्होंने 1926-27 में आर्थर गिलिगन की MCC टीम के खिलाफ भारतीयों के लिए खेला। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपने बाद के जीवन में उन्होंने एक चीनी मिल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम किया और पुणे में 2 कमरों के फ्लैट में रहते थे। 7 सितंबर 1989 को पुणे में उनका निधन हो गया। पांचवे और आखिरी नंबर पर है न्यूजीलैंड क्रिकेटर मैथ्यू सिंक्लेयर। मैथ्यू स्टुअर्ट सिंक्लेयर ऑस्ट्रेलिया में जन्मे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। एक दुर्घटना में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंक्लेयर अपनी मां के साथ न्यूजीलैंड चले गए। उसके बाद उन्होंने साल 2013 में इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था, जिसकी वजह से उन्हें और उनके परिवार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपने परिवार को पालने के लिए उन्होंने नौकरी की और अब वो रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहे हैं। 2020 में उन्होंने नेपियर में क्लब क्रिकेट खेलना जारी रखा। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश के लिए नाम तो कमाया, किसी वक्त पर शोहरत भी हासिल की, लेकिन आज ये लोग गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। खेल जगत एक ऐसी दुनिया है जहां रातों रात लोग स्टार बन जाते हैं। आज एमएस धोनी से लेकर विराट कोहली तक के ठाट बाट देखकर सब हैरान रह जाते हैं। भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे क्रिकेटर थे जिनके पास फरारी गाड़ी थी। इसके साथ एमएस धोनी के पास महंगी सुपर बाइक्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है।